Hello to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 1st October of 2020 and it's the Thursday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन और पुनिटिव डिटेंशन में क्या अंतर होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन और पुनिटिव, PUNITIV, पुनिटिव डिटेंशन में क्या अंतर होता है? डिफरेंस बताइए आप, दोनों में क्या होता है? दोनों डिटेंशन है, दोनों में क्या अरेस्ट होता है, आपको बताना है इन दोनों में अंतर क्या होता है, बस ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, आर्टिकल 23(1) क्या होता है? आर्टिकल 23(1) क्या होता है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें और प्लीज़ जो कोई वीडियो देखे प्लीज़ कमेंट जरूर करें, थैंक यू। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247 या डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक से, जहाँ पर आपको सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे जहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। चलिए आज की पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। पहली न्यूज़ आती है, अडवानी 31 अदर एक्विटेड इन बाबरी केस, जो क्या कहते हैं कल वर्डिक्ट आया, सभी जानते हैं कि कल क्या कहते हैं बाबरी केस का वर्डिक्ट आया, कल जो डिमोलिशन हुआ था बाबरी मस्जिद का, उसका कल केस तो क्या क्या कहते हैं वर्डिक्ट आया कल तो बाकी सभी जितने लोग थे कहते हैं जो बीजेपी लीडर्स अडवानी और जो 31 और अदर लीडर्स थे, तो उन सबको क्या कहते हैं रिलीज कर दिया गया है। उनको कहा गया है कि लैक ऑफ क्रेडिबल एविडेंस होने के कारण कोई भी एक एविडेंस नहीं था जो क्रेडिट कर सके कि इन्हीं लोग ने किया, तो इसलिए क्रेडिट किया गया है कि वर्डिक्ट में आया कि 28 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था उसमें किसी का इन लोगों के ऊपर कोई क्या कहते हैं एविडेंस नहीं मिला, तो इन लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है कि क्या कहते हैं इन लोगों के ऊपर कोई केस नहीं चलेगा, तो ख़त्म हो गया केस और क्या कहते हैं सबको फ्री कर दिया गया है। तो आज इसी पे क्या कहते हैं बाबरी केस पे ही एडिटोरियल भी आया है और एक और न्यूज़ भी आई है, तो हम लोग वो भी देख लेते हैं पहले, फिर देखेंगे आगे की न्यूज़। बाबरी केस पे एक न्यूज़ भी आई है, उसको पहले देखते हैं फिर एडिटोरियल देखेंगे। ये है अगली न्यूज़ जो आई है, वो आई है, एक्यूज डिड नॉट हैव अ प्लान सेज कोर्ट, कि कोर्ट ने कहा कि एक्यूज जो थे जो था अडवानी और क्या कहते हैं 31 और लोगों के ऊपर जो केस चल रहा था, क्या कहते हैं बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस, तो वो कहा गया कि वो अक्यूज के ऊपर कोई प्लान नहीं था, ऐसा कोर्ट का कहना है। तो हम लोग देख लेते हैं ये पूरा टाइमलाइन दी हुई है, क्या क्या हुआ, कब क्या हुआ, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं पूरा। इसमें दिया हुआ है जो वर्डिक्ट आया है वो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस का, वो 28 साल पहले हुआ था, कर सेवक्स जो 16 सेंचुरी का जो मॉस्क था मस्जिद थी, एंड ऑलमोस्ट अ ईयर आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट सेटल द लैंड केस इन फेवर ऑफ अ राम टेम्पल, जो अभी एक साल पहले ही राम टेम्पल पे केस फर क्या कहते हैं सेटल किया गया है कि वहाँ पर राम टेम्पल बनेगा, तो उसके बाद एक साल बाद ये वर्डिक्ट आना क्या कहते हैं काफ़ी लोगों को सोचने के भी बता रहा है। तो इसमें देखते हैं कब चालू हुआ था, ये हुआ कर सेवक एटॉप कहते हैं बाबरी मस्जिद ड्यूरिंग इट्स डिमोलिशन ऑन दिसंबर 6, 1992, बाबरी मस्जिद डिमोलिश किया गया था दिसंबर 6, 1992 को, दो FIR फाइल की गई थी, वन अगेंस्ट अननोन कर सेवक्स थे जो चढ़े थे वहाँ पे और डिमोलिश किया, और जो अदर जो BJP लीडर्स थे LK अडवानी मुरली मनोहर जोशी और अदर्स जिनके ऊपर केस चल रहा था डिमोलिशन का। फिर अक्टूबर 1993 को CBI ने फाइल की कंपोजिट चार्जशीट, जिसमें उन्होंने मिस्टर अडवानी और अदर जो लीडर्स थे उनके ऊपर इसका डिमोलिशन का केस फाइल किया। फिर मई 2001 में स्पेशल CBI कोर्ट फाइल की गई, जिसमें प्रोसीडिंग्स अगेन मिस्टर अडवानी, मिस्टर जोशी, उमा भारती, बाल ठाकरे और अदर्स जो टेक्निकल ग्राउंड्स पे थे उनके ऊपर केस चलाया गया। फिर नंबर 2004 में CBI चैलेंजेस बिफोर द लखनऊ बेंच ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो लखनऊ बेंच है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, वहाँ पर चैलेंज किया CBI ने और इस प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट BJP लीडर को बढ़ाया, कोर्ट इश्यूज नोटिस। फिर मई 2010 में हाई कोर्ट ने डिसमिस की सारी पिटीशन से, नो मेरिट इन CBI रिवीजन पिटीशन की, कोई भी मेरिट नहीं होगी CBI की रिवीजन पिटीशन में। फिर फरवरी 2011 में CBI मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट हाई कोर्ट ऑर्डर इन द मॉस्क डिमोलिशन केस, कि मॉस्क डिमोलिशन केस में क्या कहते हैं CBI ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात की। फिर मार्च 2017 में द कोर्ट इंडिकेटेड इट मे कंसिडर रिवाइविंग कॉन्स्पिरेसी चार्ज, की कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि वो रिवाइव करेंगे चार्जेस और क्या कहते हैं देखेंगे कि जो जिनके ऊपर डिमोलिशन केस लगा है वो सही है कि नहीं, क्योंकि
क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी जो चार्ज लगा है मिस्टर अडवाणी, मिस्टर जोशी और मिस भारती और जो अदर लीडर्स हैं उनके ऊपर, वो देखा जाएगा अगेंस्ट द VIPs एंड कर सेवक्स के ऊपर जो लगा है केस, तो वो सही है कि नहीं वो चेक किया जाएगा। फिर अगस्त 2020 में ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कंडक्ट किया भूमि पूजन अयोध्या में और लॉन्च किया कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सटेंड किया एक मंथ डेडलाइन जो थी उनकी ट्रायल की, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस की, उसको एक्सटेंड किया गया। कल जाके सितंबर 30 को स्पेशल जज जो है SK यादव, उन्होंने डिलीवर किया जजमेंट इस मॉस्क डिमोलिशन केस में। बाबरी मस्जिद जो डिमोलिशन केस था उस पर कल वर्डिक्ट आया, तो उसमें यही वर्डिक्ट आया कि सबको फ्री कर दिया गया है लैक ऑफ क्या कहते हैं एविडेंस होने के कारण, कि कोई एविडेंस नहीं उन लोगों का कि वही लोग थे तो ऐसा कोई है नहीं, और कर सेवक्स बहुत थे तो सबके ऊपर केस नहीं चल सकता, तो इसलिए उनको पहले ही खत्म हो गया था वो केस। कुछ कर सेवक्स के ऊपर लगा था, बाकी सबको फ्री कर दिया गया था, किसी को पता ही नहीं था किसने किया, तो इसलिए ऐसा हुआ था। चलिए अब एडिटोरियल देख लेते हैं, एडिटोरियल में भी आया आज यही न्यूज़। आज का पहला एडिटोरियल ये है कि जस्टिस इन रूल्स, इसमें भी बाबरी मस्जिद केस पर ही पूरा क्या कहते हैं एडिटोरियल है। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड सक्सेसिव जुडिशियल सेटबैक टू सेकुलर वैल्यूज एंड द रूल ऑफ लॉ, कि इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता सक्सेसिव जुडिशियल सेटबैक्स जो होते हैं सेकुलर वैल्यूज है और जो रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं हो रहे हैं उनको। जैसे हमने देखा जो रूइंस थे बाबरी मस्जिद के वो पहले ही खत्म हो चुके थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो जो केस था वो भी खत्म हो गया। अब बिलीव अमंग मैनी दैट जस्टिस कुड बी डन, कि कुछ लोगों के अंदर बिलीव था कि जस्टिस आएगा और कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ के तहत जो क्राइम जिन्होंने किया है उनको पनिशमेंट मिलेगी, जो क्या कहते हैं प्लॉट किया गया था क्रिमिनल कोर्ट ने जो पनिश करना चाहिए लोगों को जिन्होंने प्लॉट किया था इवेंट December 6, 1992 का बाबरी मस्जिद का जो केस था डिमोलिशन का, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। एक स्पेशल CBI कोर्ट ने इन लखनऊ हैज़ नाउ क्लियर द रिमेनिंग डेब्रिस विद एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट, की जो स्पेशल CBI कोर्ट थी उसने पूरी तरह से ही ख़त्म कर दिया, जो रिमेनिंग बचा था उस डिमोलिशन केस का उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया और कहा कि लैक ऑफ एविडेंस होने के कारण वो क्या कहते किसी को पनिश नहीं कर सकते। थ्रोइंग टू द विंड द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन ऑन द डिमोलिशन द ट्रायल कोर्ट हैज़ इन इफेक्ट गिवन जुडिशियल लेजिस्टिमेशन, कि राम जन्मभूमि मूवमेंट जो हुआ है बाय एक्विटिंग ऑल दोज इंडिक्टेड फॉर कॉन्स्पिरेसी ब्रिंग डाउन द स्ट्रक्चर, कि जो जिनके ऊपर केस के ऊपर लगा था जो कॉन्स्पिरेसी थी कि जिन्होंने स्ट्रक्चर को ब्रिंग डाउन किया है जिसको गिराया है बाबरी मस्जिद को, उनके ऊपर क्या कहते हैं देखा जाएगा उनके ऊपर केस चलाया जाएगा। इट्स कंक्लूजन आर ड्रास्टिक एंड डिफाई लॉजिक एंड फैक्ट, और जिसका जो इसका कंक्लूजन है वो पूरी तरह से ड्रास्टिक है और क्या कहते हैं विदाउट लॉजिक वाला है। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि लोग सोच रहे हैं कि ये पूरी तरह से जजमेंट नहीं हुआ है, बिना लॉजिक का ये लोग जजमेंट हुआ है, क्या कहते हैं कोई इसमें लॉजिक नहीं था जो उन्होंने जजमेंट दिया है, ऐसा लोगों का मानना है, क्योंकि जो पनिशेबल थे जिनको पनिश करना चाहिए था उनको पनिश नहीं हुए, ऐसा इस एडिटोरियल में बात की गई है। इसमें ये भी कहा गया जो प्रोपोनेंट्स थे जो VIP लीडर्स थे जैसे LK अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और जो बाकी लीडर्स थे जिनके ऊपर केस था कि इस डिमोलिशन का जिन्होंने भड़काया था ऐसा क्या मानना था, तो उसमें कहा गया हैड पोजीशन देमसेल्व इन वेंटेज पॉइंट टू विटनेस द ओकेजन एंड सेलिब्रेट विद प्राइड व्हाट ऑट टू हैव कॉज शेम एंड डिस्कस्ट, कि जो क्या कहते हैं जिनको शेम और डिस्कस्ट होना चाहिए था कहते इस तरह के इंसिडेंट करने के लिए, इस तरह की बातें कहने के लिए, इस तरह के जो केस था उनके ऊपर, तो वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्या कहते हैं खुशी मना रहे हैं कि वो अब वो कि अब वो क्या कहते हैं इस केस से फ्री हो चुके हैं, ऐसा क्या कहते हैं इस एडिटोरियल में बताया गया। इस एडिटोरियल में यही बात की गई कि जस्टिस जैसे लोगों ने सोचा था वैसा जस्टिस नहीं मिला है। एट लास्ट इसमें कहा गया है इवन अलाउंग फॉर द पॉसिबिलिटी दैट द जुडिशरी इज क्लोज असाइनमेंट विद एग्जीक्यूटिव, इट इज अनएक्सेप्टेबल टू सी अ कोर्ट गोइंग सो फार एज सो एज टू पैरेड द स्पेशियस थ्योरी एडवांस बाय द डिमोलिशन स्क्वाड, जो क्या कहते हैं स्पेशल थ्योरी जो एडवांस की गई थी डिमोलिशन स्क्वाड द्वारा, जो BJP VHP RSS फैमिली वाले जो लीडर्स थे उनके द्वारा जो एक क्या कहते हैं थ्योरी डिफाइन की गई थी कि ऐसा ऐसा हुआ था इसलिए क्या कहते हैं डिमोलिशन के क्या कहते हैं ऐसा हम लोग से बात हुई, तो उन लोगों ने एक थ्योरी डिफाइन की थी उसी पर क्या कहते हैं कोर्ट ने बिलीव कर लिया, जुडिशरी ने बिलीव कर लिया और ये डिसीजन दे दिया। ऑल दोज हु वेंट थ्रू द डिस्ग्रेसफुल फेज इन इंडिया पोलिटिकल हिस्ट्री नो डेट द डिमोलिशन वॉज ओनली द कल्मिनेशन ऑफ रिवेंचिस मूवमेंट, क्या कहते हैं कि जो भी उस समय के देखा होगा जिन्होंने वो जानते ही हैं
थे, वो पूरी तरह से एक रिवेंजेस मूवमेंट था, पूरी तरह से डिमोलिशन जो था वो एक जानबूझ के किया गया मूवमेंट था, ऐसा कहा जा सकता है। एट लास्ट इसमें कहा गया द कॉज ऑफ कम्युनल एमिटी कैन नॉट अफोर्ड सक्सेसिव जुडिशियल सेटबैक्स टू बोथ सेकुलर वैल्यूज एंड द रूल ऑफ लॉ, कि जो कॉज है कम्युनल कम्युनल एमिटी का वो अफोर्ड नहीं कर सकता सक्सेसिव जुडिशियल सेटबैक्स टू बोथ सेकुलर वैल्यूज, की क्या कहते हैं इस तरह के जो पनिशमेंट्स हैं वो आप हर बार नहीं रोक सकते, सेकुलर वैल्यूज के नाम पे या रूल ऑफ लॉ के नाम पे आपको पनिशमेंट देना होगा जुडिशरी को, ऐसा एट लास्ट इसमें कहा गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है सिनेमा हॉल थीम पार्क अलाउड टू ओपन, कि स्टेट्स कैन डिसाइड ऑन स्कूल, ऐसा सेंटर का कहना है। कल MHA की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की नई गाइडलाइंस आई है रीओपनिंग पे, जिनमें उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं परमिटिंग सिनेमा हॉल्स को परमिट किया, इंटरटेनमेंट पार्क स्विमिंग पूल इन सबको परमिट कर दिया गया है। स्विमिंग पूल वही स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो अपनी ट्रेनिंग के लिए जाएँ उन्हीं को क्या कहते हैं जा सकते हैं वहाँ पर, और कुछ गाइडलाइंस है उसके तहत ही आप जा सकते हैं। और स्टेट्स को कहा है कि वो उनके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो इफ़ दे वॉन्ट टू ओपन स्कूल फ्रॉम अक्टूबर 15 दे कैन, कि अक्टूबर 15 के बाद अगर स्टेट चाहें तो वो स्कूल्स खोल सकते हैं। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रीम के हैं, जैसे रिसर्च स्कॉलर्स हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो गए, वो भी लेबोरेटरी एक्सेस कर सकते हैं और विल बी परमिटेड टू ओपन ओपन हो सकते हैं अक्टूबर 15 से, ऐसा गाइडलाइंस में आया है। द गाइडलाइन दैट विल कम इन टू इफेक्ट ऑन अक्टूबर 1 हैव रिमूव रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम ऑल एक्टिविटी एक्सेप्ट इंटरनेशनल एयर ट्रेवल, कि सारे एक्टिविटीज़ उन लोगों ने खोल दिए, क्या कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, क्या कहते हैं जिसमें सारी रिस्ट्रिक्शंस जो थी सब खोल दिए गए, सिर्फ इंटरनेशनल एयर ट्रेवल है उसी को रोका गया, अभी सिर्फ वही नहीं खुला बाकी सब खुल गया। अब ये लॉकडाउन विल कंटिन्यू टू इन्फोर्स इन कंटेनमेंट जोन्स, और जो लॉकडाउन है कंटेनमेंट जोन्स जो है वहाँ पे लॉकडाउन रहेगा 31 अक्टूबर से, ऐसा इसमें कहा गया है। ये पूरी गाइडलाइंस है, कल हम इन लोग पूरा एक डिटेल वे में कल पूरी गाइडलाइंस देखेंगे हम लोग। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। आज का अगला एडिटोरियल आता है ऑन द क्वाड डिफाइन द आइडिया चार्ट अ पाथ, इसमें कहा गया पॉजिटिव रीजन एजेंडा बिल्ड अराउंड कलेक्टिव एक्शन बाय द क्वाड मेंबर्स विल आल्सो टेक केयर ऑफ चाइना स्ट्रेलेंस, की जो क्वाड मेंबर्स हैं, चलिए पहले क्वाड को देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। इट इज़ रिपोर्टेड दैट द सेकेंड मिनिस्टर मीटिंग ऑफ द फोर कंट्री, जो क्वाड है क्वाड के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में मीटिंग हुई है, जिसमें मिस्टर एबे वॉज अ स्ट्रेटेजिक थिंकर हु थॉट बियॉन्ड द लिमिटेड टाइम फ्रेम ऑफ जैपनीज रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स, कि 2007 में जो द क्वाड मेंबर्स थे यूनाइटेड स्टेट जापान इंडिया ऑस्ट्रेलिया, उनके पास आइडिया था हुज टाइम हैड नॉट येट कम, दैट वाज डिफरेंट वर्ल्ड। चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं पूरे एडिटोरियल को अलग फॉर्मेट में, अब हमारे टेलीग्राम चैनल में देख सकते हैं इस क्या कहते हैं आंसर राइटिंग फॉर्मेट में। चलिए ये क्वाड है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है इंडिया USA जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जो शेयर करते हैं ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर एंड सपोर्ट अ फ्री ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन। इनका आइडिया है मूड किया गया था जैपनीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे के द्वारा 2007 में, द आइडिया कुडंट मूव अहेड विद ऑस्ट्रेलिया पुलिंग आउट ऑफ इट, कि ऑस्ट्रेलिया जब हट गया तो उसके बाद ये नहीं हो पाया चाइनीज प्रेशर के कारण। फिर 2 दिसंबर 2012 में शिंजो आबे ने फिर से फ्लोट किया कॉन्सेप्ट ऑफ एशियाज डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड के लिए, ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान और US को एक साथ लाने के लिए, जिससे वो मैरीटाइम कॉमर्स जो इंडियन पैसिफिक इंडियन ओशन में जो दिक्कतें हैं उनको कंट्रोल कर सके, जो चाइना का इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक रीजन में उसे कंट्रोल कर सके। नवंबर 2017 में इंडिया US और ऑस्ट्रेलिया एंड जापान शेप किया लॉन्ग पेंडिंग क्वाड कोलिशन टू डेवलप अ न्यू स्ट्रेटेजी, जिससे किसी चाइना का स्पेशली इन्फ्लुएंस ना रह पाए। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्वाड इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर लाइक माइंडेड कंट्रीज, की जिनकी जो कंट्रीज एक तरह का सोचती हैं वो एक साथ मिलके कोलैबोरेट करके जो प्रोजेक्ट्स हैं म्यूचुअल इंटरेस्ट के वो उस पर वर्क कर सके। मेंबर शेयर्स अ विजन ऑफ एन ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक, की मेंबर्स जो उस कंट्रीज हैं वो एक फ्री एंड ओपन क्या कहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन जो है जहाँ पर किसी का इन्फ्लुएंस ना हो ऐसे सोच सकें और वहाँ पर वर्क कर सकें अपना इन्फ्लुएंस दिखा सके। इट इज़ वन ऑफ द मैनी एवेन्यूज़ फॉर इंटरेक्शन अमंग इंडिया, ये एक तरह का इंटरेक्शन वे भी हो सकता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान और US के बीच में, और एक कोई एक्सक्लूसिव कंटेस्ट नहीं माना जा सकता। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है ऑफर फ्री वायरस ट्रीटमेंट टू ऑल सेज NHRC, कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा है कि नियरली 3 मंथ्स आफ्टर फॉर्मिंग अ कमिटी टू एक्सेस द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19, कि 3 महीने बाद ऐसी कमिटी बनी है जो COVID-19 को देख सके क्या इम्पैक्ट है उसका, तो दिस वीक इशूड एन एडवाइजरी दैट
प्रोवाइडिंग फ्री ट्रीटमेंट टू ऑल कोविड-19 पेशेंट, की जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनको फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए। जो हेल्थ वर्कर्स हैं, आशा वर्कर, पेइंग आशा वर्कर्स हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन इन द कॉम्बैटिंग ऑन द डिसीज़, की वो लड़ने में मदद किए हैं डिसीज़ को ख़त्म करने में। तो फ्री ट्रीटमेंट सभी को मिलना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। तो इम्पोर्टेंट आता है NHRC, नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये एक इंडिपेंडेंट स्टेचुरी बॉडी है, स्टेब्लिश किया गया था 12 अक्टूबर 1993 को, अंडर प्रोवेंशन ऑफ क्या कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, लेटर अनाउंस किए गए थे 2006 में। NHRC सेलिब्रेट अभी सेलिब्रेट किया है 25 साल की सिल्वर जुबली 12 अक्टूबर 2018। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये वॉच डॉग है ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री का, ये देखता है कि राइट्स रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल गारंटी करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो सबको मिल रही है कि नहीं, वो सही से इन्फोर्सिबल है कि नहीं, इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट्स इन इंडिया कि नहीं या इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स हैं। ये इट वॉज स्टेब्लिश इन कन्फर्मेटी विद द पेरिस प्रिंसिपल, जो पेरिस प्रिंसिपल्स हैं उसकी तरह से बनाने की कोशिश की गई थी, अडोप्टेड फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, की अडोप्शन और प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के कहते फैलाने के लिए से बनाया गया था, एंड एंडोर्स बाय द जनरल असेंबली, की इंडोर्स किया गया था जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑन क्या कहते हैं 20 दिसंबर 1993। जैसे पेरिस प्रिंसिपल बने थे वैसे ही नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बना था, जिससे क्या कहते हैं हमारे ह्यूमन राइट्स जो लोगों की है उनको लोगों तक मिल रही है कि नहीं, कितनी मिल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं उनकी राइट टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी या डिग्निटी में, तो वो चेक करने के लिए इसे बनाया गया था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है क्राइम्स अगेंस्ट शेड्यूल ट्राइब्स सॉ 26% राइट इन 2019 की, NCRP की जो रिपोर्ट है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसमें कहा गया कि जो शेड्यूल ट्राइब्स के अगेंस्ट क्राइम्स हैं वो 26% राइज किए हैं 2019 में। शेड्यूल कास्ट ऑल्सो फेस 7% मोर क्राइम दैन इन 2018, कि शेड्यूल कास्ट ने 7% और क्राइम फेस किया जितना 2018 में था, उससे 7% और ज़्यादा है। क्राइम्स अगेंस्ट पर्सन टू बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जैसे आप ग्राफ में देख सकते हैं 2015 में 38,000 था, फिर 2016 में बढ़ा काफ़ी ज़्यादा, फिर उसके बाद 2017 में, तो ग्राफ इंक्रीज ही किया है, डिक्रीज नहीं किया। जैसे क्राइम अगेंस्ट एक्सीज, इसमें पूरी तरह से ये वाला ग्राफ जो है ये शेड्यूल क्राइम्स के लिए दिखाता है, कहते हैं कि क्या हो क्या कैसे क्राइम बढ़ा है शेड्यूल ट्राइब कास्ट के ऊपर, तो ऐसा इसमें बताया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।